तो स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आज आप सबसे स्वागत है स्मार्टफोन के अंदर से अपडेट टॉप चैनल पर। अब इस मार्केट प्राइस के अंदर कोई भी बड़ा नजर आपको देखने को चाहिए 5G का सपोर्ट है कंपनी ने लेटेस्ट 5G को से देने में बड़े से डिले ले लो। अच्छा सा कैमरा होता आज आपको बहुत ही बड़ा 120 हर्ट्ज का देखो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ पर एमोलेड स्क्रीन देखना था जाएगा। बड़े से गेमिंग बॉडी का सॉफ्टवेयर आपको बड़ा सा देखो उससे जो चार्ज बड़ी बैटरी है एक चार्जर देखो मैं दे ऐसे फटाफट चार्ज कर रहा हूं अपने स्मार्ट ग्लास के अंदर को। यहां पर 5G कनेक्टिविटी का भी सपोर्ट देखो मशीन उसका भी स्मार्ट तो दोस्तों ये स्मार्टफोन है सैमसंग के लेवल के लिए। सैमसंग का एक स्मार्टफोन खरीदने से 25,000 के अंदर जब और बढ़िया सा प्रोसेसर के साथ एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए उनके लिए तो सैमसंग गैलेक्सी M42 5G को परचेस कर सकते हो। जहाँ पर कॉल का स्नैपड्रैगन 750G का 5G प्रोसेसर है और लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ ये स्मार्टफोन आता है। बात करें स्मार्टफोन के डिस्प्ले के 6.6 इंच की HD+ के सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है जहाँ आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है जैसे आपकी मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए यूजफुल होने वाला है। बात करें स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी तो आपको यहाँ पर 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। उसके साथ आपको 50W का चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है लेकिन इस स्मार्टफोन का अदर चार्ज से आप फास्ट चार्ज कर पाओगे। बात करें कैमरा का लुक की तो आपको बैक साइड में 48MP का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है और स्मार्टफोन आपको 2 कलर में देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन का आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो और आपको इस स्मार्टफोन खरीदना तो अमेजोन से स्मार्टफोन को। तो दोस्तों आपका बजट है 25,000 जैसे बड़ा सा एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो और आपको मोटोरोला के ब्रांडिंग चाहिए और स्टॉक के साथ एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो स्मार्टफोन का परचेस कर सकते हो। आता है मोटो की तरफ से मोटो S20 Fusion। यह स्मार्टफोन की खास बात है स्मार्टफोन 6GB रैम मिलते हैं 128GB स्टोरेज मिलती है। इसकी प्राइस 22,000 है। स्मार्टफोन की बात करें स्मार्टफोन है वो 108MP का कैमरा क्वालिटी की देखने को मिलता है जैसे और 32MP का सेल्फी कैमरा। डिस्प्ले की बात करें तो बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलता है जहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश देखने को मिलता है। बात करें स्मार्टफोन का प्रोसेसर के बारे में स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है जहाँ पर को स्नैपड्रैगन 750G का पावरफुल प्रोसेसर है जो गेमिंग के लिए बहुत ही यूजफुल होता है और लेटेस्ट 5G प्रोसेसर है। 5000mAh की बड़ी बैटरी है 33W का फास्ट चार्ज मिलता है जो फटाफट चार्ज कर रहा होगा। स्मार्टफोन का फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। आज आपको स्मार्टफोन बताने वाले आता है 25,000 के अंदर बहुत ऐसा गेमिंग स्मार्टफोन होता है। अगर आप रियलमी का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं इस प्राइस के अंदर इस स्मार्टफोन को आप खरीद सकते हैं। इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन का 778G का 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है सबसे पावरफुल प्रोसेसर इस प्राइस के अंदर और इस स्मार्टफोन में आपको बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलती है जो एमोलेड स्क्रीन है 120Hz का आपको रिफ्रेश रेट है गेमिंग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है 65W का फास्ट चार्जर है। फटाफट अपने स्मार्टफोन को चार्ज करो अगर गेमिंग भी खेलते हो तो आपके लिए यूजफुल ये ट्रिक होने वाली। उसके बाद ही स्मार्टफोन में आता है बड़े से डिज़ाइन देखने को मिलते हैं स्मार्टफोन में बैक साइड में और बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है या फिर बड़ा सा 64MP का फोटोग्राफी के लिए सेंसर दिया। अगर इस स्मार्टफोन को आप परचेस करना चाहते हैं स्मार्टफोन को आप फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। और आपका बजट 25,000 आपको बड़ा सा एक स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पर गेमिंग भी अच्छी हो कैमरा क्वालिटी भी अच्छी हो और फास्ट चार्जिंग हो और आपको एक वन प्लस का स्मार्टफोन चाहिए तो आज आपको वन प्लस का स्मार्टफोन बताने वाला हूँ। वन प्लस नॉट सी 5G स्मार्टफोन 25,000 के अंदर आने वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन आता है। इस स्मार्टफोन का 6GB रैम 128GB का स्टोरेज वेरियंट आपको 25,000 में मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन आपको 64MP का ट्रिपल रियर सेंसर देखने को मिलता है जैसे अच्छी खासी आप फोटो क्लिक कर पाओगे और नाइट में भी स्मार्टफोन में अच्छी खासी फोटो क्लिक कर पाओगे। बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है बड़े डिस्प्ले देखने को मिलते हैं जब आपको 90Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आती है। उसके बाद आपके यहाँ पास स्नैपड्रैगन का 750G का 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है जो गेमिंग के लिए यूज़फुल होती है। अगर आप डेली के डेली ऐसे गेमिंग प्ले करते हो 2-3 घंटा फिर भी यह स्मार्टफोन आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। इस स्मार्टफोन की रैम वेरियंट की बात करें तो 6GB की रैम है स्मार्टफोन मिलती है 128GB की स्टोरेज है और स्मार्टफोन आपको 25,000 का इसका बेस वेरियंट मिल जाएगा। अगर स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं स्मार्टफोन का अगर स्मार्टफोन खरीदना आपको आई को स्मार्टफोन खरीदना और आपको लगता है कि आपका बजट 25,000 को बड़ा सा गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए और कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है तो आपको बड़ा सा स्मार्टफोन आता है 25,000 के अंदर आई को Z5। इस स्मार्टफोन में आपको लेटेस्ट 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है और गेमिंग के लिए बहुत यूज़फुल होता है। डिज़ाइन भी इसके सॉलिड डिज़ाइन के साथ आता है। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो कैमरा भी एक ज़बरदस्त देखने को मिलता है और नाइट फोटो इसमें बहुत ही क्लियर आती है। 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है 45W का फास्ट चार्ज मिलता है यानी फटाफट अपने बैटरी को चार्ज कर पाओगे। और स्मार्टफोन आपको अमेजोन पर मिल जाएगा जैसे आपको 6GB रैम 128GB स्टोरेज का वेरियंट आप यहाँ से खरीद पाओगे। तो दोस्तों आज आप जो स्मार्टफोन उतरने लगा था 25,000 के अंदर
और ये स्मार्टफोन ऑफर में आपको 25,000 के अंदर मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से, गेमिंग स्मार्टफोन देख रहे हो इस प्राइस के अंदर। आपको लगता है कि पोको का स्मार्टफोन आप खरीदना चाहते हो, इस स्मार्टफोन को आप खरीद सकते हो। ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट 5G प्रोसेसर के साथ, आता है डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर के साथ है। और अब इस स्मार्टफोन पूरा गेमिंग डिज़ाइन किया गया, और स्मार्टफोन कैमरा क्वालिटी भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। जहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल सेंसर देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको अच्छी खासी कैमरा क्वालिटी है। और इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करें तो भाई स्मार्टफोन में आपको 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट के साथ एक डिस्प्ले देखने को मिलती है, और गेमिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल देखने को मिलता है स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन में आपको डॉल्बी डबल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, जैसे आपको डॉल्बी साउंड बढ़िया सा आने वाला है। स्मार्टफोन की बात करें, स्मार्टफोन में आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, और 67W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, जैसे फटाफट आप स्मार्टफोन को चार्ज कर पाए। स्मार्टफोन आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो।